गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को लेकर। तो दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बने ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का इनॉग्रेशन किया और इस रूट पे पहली गुड्स ट्रेन को रवाना किया। दोस्तों, 351 किलोमीटर लंबे न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में टोटल 10 स्टेशन, 19 मेजर ब्रिजेस, 414 माइनर ब्रिजेस, 7 रेल फ्लाईओवर्स हैं और इस सेक्शन को 550 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, इस सेक्शन के डिटेल्स और ट्रायल्स के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट्स में बताया था। और दोस्तों, ऑपरेशनल कंट्रोल सेक्शन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर होने के साथ साथ इस कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग रिहा 4 रेटेड एक ग्रीन बिल्डिंग भी है और इस कंट्रोल सेंटर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के एंटायर नेटवर्क के लिए एज अ सेंट्रल कमांड सेंटर यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने गाजियाबाद और आसपास के एरिया में एयर क्वालिटी इंप्रूव करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 121 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। दोस्तों, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगले 6 महीने में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 30 नए एयर फिल्टर, वैक्यूम क्लीनर्स और 6 नई एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल करने जा रहा है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। और दोस्तों, इन एयर फिल्टर्स को ना सिर्फ विंटर सीजन में बल्कि पूरे साल यूज करने का प्लान है, जिससे गाजियाबाद के एयर पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिल सके। साथ ही साथ गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 200 पार्क्स और रोड्स के अलोंग ग्रीन पैच भी डेवलप करने का प्लान कर रहा है, जिससे एयर डस्ट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। दोस्तों, इसके साथ साथ गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने 579 व्हीकल्स को डीजल से सीएनजी में अपग्रेड करेगा और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 100 सीएनजी ऑटो और 100 ई रिक्शा भी खरीदे जाएंगे। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 नए सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करने जा रहा है, जिन्हें मई 2021 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से, जिन्होंने नासिक डिस्ट्रिक्ट में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 110 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल लेइंग के साथ साथ 194 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेंटर के इंस्टॉलेशन का काम कम्प्लीट कर लिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री संजय खंडारी जी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंडर कम्प्लीट किया गया है और इस प्रोजेक्ट के मैक्सिमम हिस्से को सिटीजन्स ने यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ ग्राउंड वायर्स को डिकंजेस्ट करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह पावर सप्लाई की क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ ओवरहेड वायर्स से होने वाले खतरों को भी कम करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है एफएम लॉजिस्टिक्स को लेकर, जिन्होंने बताया कि अगले 5 साल में अप्रॉक्स 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने एग्जिस्टिंग 60 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउस फैसिलिटी को बढ़ाकर 1.2 करोड़ स्क्वायर फीट कर देंगे। दोस्तों, एफएम लॉजिस्टिक्स आने वाले 3 साल में अपने वेयरहाउस कैपेसिटी को बढ़ाकर 1 करोड़ स्क्वायर फीट करने जा रहा है, जिसमें बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, कंपनी के ऑफिशियल्स ने बताया कि कंपनी जल्द ही भिवंडी के 4 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउस को ऑपरेशनल कर देगी और उसके बाद हरियाणा के झज्जर में वेयरहाउस फैसिलिटी को 2021 के सेकंड क्वार्टर में ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके साथ साथ एफएम लॉजिस्टिक्स वेल्सपन लॉजिस्टिक पार्क के साथ मिलकर मुंबई के भिवंडी में 9 लाख स्क्वायर फीट स्पेस अगले 3 साल में डेवलप करेगा और साथ ही साथ कंपनी ने पिछले 6 महीने में 1000 लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नासिक के इगतपुरी तालुका में घोटी बंदरतारा रोड के 13 किलोमीटर सेक्शन को डेवलप करने के लिए 98 करोड़ रुपीज अप्रूव कर दिए हैं। दोस्तों, इस रोड की बात करें तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पिंपलगांव मोड़ से बारीघाटी सेक्शन के बीच कॉन्क्रीट रोड कंस्ट्रक्ट करेगा और साथ ही साथ रोड के दोनों साइड 1.5 मीटर अर्थन शोल्डर्स भी कंस्ट्रक्ट करेगा। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स ने बताया कि यह रोड पिंपलगांव मोड़ के पास घोटी सिन्नार रोड को कनेक्ट करती है और इगतपुर तालुका में बारी घाट से होते हुए महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक कलसुबाई से होते हुए राजूर तालुका में बंदरदारा तक जाती है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के पास का काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि रोड को 2004 में 5.5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर कर दिया गया था, लेकिन मेंटेनेंस न होने के कारण रोड अभी काफी खराब हो गई है, लेकिन अब इस पूरे 13 किलोमीटर स्ट्रेच में जल्द ही 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्ट कर दी जाएगी, जिसमें 5 मीटर घाट सेक्शन भी इंक्लूडेड है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है मुंबई मेट्रो लाइन 10 और लाइन 12 को लेकर। तो दोस्तों एकॉम इंडिया को मुंबई मेट्रो के अपकमिंग लाइन 10 और लाइन 12 के सिविल वर्क के लिए जनरल कंसल्टेंट सेलेक्ट किया गया है। दोस्तों इन मेट्रो लाइंस की बात करें तो 9.20 किलोमीटर लंबी लाइन 10 जो कि गैमुख से शिवाजी चौक के बीच कंस्ट्रक्ट की जाएगी और ये लाइन 35 किलोमीटर लंबे वडाला गैमुख लाइन का एक्सटेंशन होगी। दोस्तों लाइन 10 में चार स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जिनका नाम है गैमुख रेती बंदर, वर्सोवा चार फाटा, कश्मीरा और शिवाजी चौक। दोस्तों इसके साथ उम्मीद है कि पांडुरंगवाड़ी में लाइन 9 के लिए एक इंटरचेंज स्टेशन भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों 20 किलोमीटर लंबी लाइन 12 को थाने से तलोजा के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि 25 किलोमीटर लंबी थाने कल्याण लाइन का एक्सटेंशन होगी। और दोस्तों लाइन 12 में 17 स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। फटाफट बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है मुंबई से। तो दोस्तों मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 30 करोड़ रुपए में बनने वाले 9 मंजिला तिरुपति बालाजी मंदिर का कंस्ट्रक्शन जनवरी 2021 में स्टार्ट होने की उम्मीद है। दोस्तों इस मंदिर को आंध्र प्रदेश के बालाजी मंदिर के जैसे ही डिजाइन किया गया है और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करवा रहा है। दोस्तों इस मंदिर में 2 फ्लोर अंडरग्राउंड होंगे। इसके साथ साथ मंदिर प्रेमिसेस में श्रद्धालुओं के लिए योगा और मेडिटेशन एरिया, स्टाफ क्वार्टर्स और गेस्ट रूम भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने 2 और 3 व्हीलर बैटरी स्वैपिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी वोल्टअप के साथ पार्टनरशिप करके जयपुर में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सेटअप किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आने वाले 6 महीने में जयपुर सिटी में ऐसे 50 और स्वैपिंग स्टेशन ऐड करेंगे। दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल्स ने बताया कि बैटरी स्वैपिंग स्लो चार्जिंग का एक बेस्ट अल्टरनेट है ताकि ड्राइवर ऑपरेशनल आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बैटरी स्वैपिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्वैपिंग स्टेशन का डेंस नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने वाइड नेटवर्क के माध्यम से स्वैपिंग मार्केट के सप्लाई साइड को इम्प्रूव करने में अपनी भूमिका निभा रहा है।